titration जो है ये the given solution जो है contains 16 gram per dm cube of sodium carbonate and sodium chloride. Find out amount of each in 80 gram mixture. पहले भी आपको mixture 16 gram mixture दी हुई है जिसके अंदर sodium carbonate और जो है sodium chloride है. आप 80 gram mixture के अंदर जो है हर एक की composition बताएं. ये सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड है, ये टाइट्रेशन है, वीक जो है बेस और जो है स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन है. ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है. इस तरह से क्या है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन. सवाल पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट इसमें से रिएक्ट करेगा उसके बारे में. और इस तरह से क्या फिर है, ये नॉन स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है ये HCl होगा, 0.1 मोलैरिटी है. अगर जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो 0.05 मोलैरिटी. आप कोई रख सकते हैं, कोई मोलैरिटी पहले 20 मिनट में रख सकते हैं. इंडिकेटर इस केस में जो है जब सोडियम कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कहीं यूज़ हो रहा हो उस वक्त है मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मिथाइल ऑरेंज आर्गेनिक वीक जो है बेस है, 3.2 से लेकर 4.8 पीएच रेंज में काम करता है. अब देखते हैं क्या है एंड पॉइंट है, ये लाइट पिंक कलर आएगा जब टाइट्रेशन करेंगे. केमिकल रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है. मोलर रेशो 1 और 2 की है, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का और 2 मोल HCl के रिएक्ट करते हैं. मोलर रेशो 1 और 2 की है और इस तरह से प्रोसीजर जो है 10 ml ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन बेस सॉल्यूशन इज डिपटेड आउट इनटू टाइट्रेशन फ्लास्क. आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड सॉल्यूशन टिल लाइट पिंक कलर इज अचीव्ड. आई रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स टू गेट कार्बन. एक नंबर का इतना छोटा इस तरह से प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इंडिकेट एंड पॉइंट कैलकुलेट. हर एक आधा नंबर है, प्रोसीजर का 1 नंबर है और स्कोर्स कैलकुलेशन डेट है 1.5 नंबर. अब मैंने क्या है कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन करना है. इस केस में वॉल्यूम ऑफ जो है ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मिक्सचर सॉल्यूशन मिक्सचर देखने पर फॉर इस टाइटेशन बेस देखना फॉर इस टाइटेशन बेस देखने फॉर इस टाइटेशन दसियम क्यूब लिया उसके अंदर एक ड्रॉप इंडिकेटर का डाला. पहली ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई, ब्यूरो रीडिंग रिकॉर्ड की 0 थी. टाइटेट करते गए एक स्टेज आई, लाइट पिंक कलर अचीव हो गया. दोनों का डिफरेंस देखा, 10 cm³ यूज हुआ. इस तरह 3 मरतबा एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया, हर मरतबा जो है एक जैसी रीडिंग जो है पाई. ये कंकार्डेड रीडिंग है, मीन निकाल लिया 10 cm³ है. हर सवाल में आपने मोलैरिटी निकालना, तो इस केस में भी आपने मोलैरिटी निकाल ली है. सबसे पहले मोलैरिटी निकालें, फिर अमाउंट पर dm³ निकालें, पहले dm³ वाली अमाउंट से मुकाबला करें और फिर जो है 100 की बजाय 80 ग्राम निकालें. पहला फार्मूला है ये मोलैरिटी का है, m₁ v₁ over n₁ इज इक्वल टू m₂ v₂ over n₂. आपने जो है जिसके बारे में सवाल पूछा गया है उसे आप लेफ्ट साइड पर ले आए सोडियम कार्बोनेट और दूसरी तरफ क्या है एसिड लिखते हैं HCl. अब आपसे क्या है सवाल पूछा गया है मोलैरिटी पहले निकालने के लिए कहा गया, स्टैंडर्डाइज करना होता है. असल में क्या आपने दोनों की क्या है ये अमाउंट निकालनी है. अमाउंट निकालने के बाद कंपेरिजन करके आपने 80 ग्राम के अंदर निकालनी है. सबसे पहले आपने स्टैंडर्डाइज करना होता है, मोलैरिटी निकालनी है. तो मैंने मोलैरिटी कर सके 10 cm³ हर मरतबा दे रहे हैं सोडियम जो है कार्बोनेट मिक्सचर सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल इक्वेशन बता रही है 1 है और है ये मोलैरिटी मैंने HCl की ये स्टैंडर्ड मानी हुई है
वॉल्यूम कितना यूज़ हो रहा है, टेबल से पता चलेगा, यूनिट से पता चलेगा, आप जो है 10 लिखते हैं और जिस तरह से क्या है नंबर ऑफ मोल इक्वेशन बता रही है दो है, जिस तरह से मोलैरिटी निकाल मोलैरिटी है आप जो एम वन है ऑफ है सोडियम कार्बोनेट निकालें, निकालने के लिए 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला है बता दें 1.10 10 से जाकर तो गया मोलैरिटी 0.1 को 2 से पॉइंट ज्वाइन किया 0.05 मोलैरिटी आई किस चीज की, ये छोटी बात हो गई। अब आप है यही रिएक्ट करता है, ये तो रिएक्ट नहीं करता, ये मोलैरिटी निकाल ली। अब आप जो है अमाउंट पर डी एम टू वाला फार्मूला अप्लाई करें, अमाउंट पर डी एम टू बराबर है मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं लिखते हैं। अमाउंट पर डी एम क्यूब निकालें, आपको जो है ये इम्प्योर दी प्योर जो है ये रिएक्ट करते हैं मोलैरिटी प्योर की निकल चुकी है, मोलैरिटी को आप जो है मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करें, मॉलिक्यूलर मास देख लें कितना बनता है, ये 23 2 46 जमा 12 जमा 48 ये बनता है 8 और 2 10 10 और 6 16 4 1 5 5 और जो है 4 9 16 क्या है 3 48 40 2 46 46 जमा 12 जमा जो है 48 और 8 2 10 8 6 16 और 106 बनता ही है, और 106 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास है ये 5.3 ग्राम है पर डी एम क्यूब वालों में, ये प्योर है। आपके पास है ये इम्प्योर दिया हुआ, इसका मतलब है कि 16 ग्राम है इम्प्योर, 16 ग्राम इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट के अंदर है, प्योर कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट मकदार में निकाल ली है, ये क्या है ये 5.3 ग्राम बनती है और एक इतने कितनी हो, एक में क्या है 5.3 डिवाइड बाय 16 ग्राम ग्राम से कट गया, और मैं 80 ग्राम के अंदर देखना चाहता हूँ तो 80 के अंदर कितनी होगी, 80 के अंदर कितनी है तो मल्टीप्लाई बाई के 80 आप 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा, 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आता है ये जवाब जो है ये 26.5 ग्राम आता है, 26.5 ग्राम आता है ये सोडियम कार्बोनेट, और आप ये मकदार निकाल दें सोडियम क्लोराइड की निकालने के लिए, आप जो है 80 में से ये 26.5 निकाल दें तो बाकी जवाब आता है 50 ये 53.5 आता है, 53.5 ग्राम आता है, इस तरह से आपने क्या ये दोनों की कंपोजिशन बता दी, दोनों की कंपोजिशन जो है बता दी, तो ये जो है एक और जो है थोड़ी बाई कार्बोनेट मीठा थोड़ा की रहती है वो करने के बाद एसिड बेस टाइट्रेशन प्रोग्राम को पहुँचे, ये टाइट्रेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसे ये सवाल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा से रिलेटेड है, द गिवन सॉल्यूशन कंटेन 2.5 ग्राम पर 250 सीएम क्यूब ऑफ इम्प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
जो है बेकिंग सोडा क्या है, मैंने लिखा हुआ है सोडियम का 23 है, हाइड्रोजन का 1 का, 12 कार्बन का 5 है, 3 ऑक्सीजन एटम का 48 है, 84 बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, इस तरह से ये एसिड बेस टाइट्रेशन बनती है। अब सवाल पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, अगर HCl इस्तेमाल करते हैं तो 0.1 मोलैरिटी होगी, अगर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो 0.05 मोलैरिटी होगी। इस तरह से मैंने इसके इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का रखा है। इंडिकेटर है जब भी आप सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो है कहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंडिकेटर जो है मिथाइल और इस्तेमाल कर, लाइट पिंक कलर एंड पॉइंट होता है। इक्वेशन जो है 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 और 1 की रेशियो। प्रोसीजर बहुत छोटा लिखना क्योंकि हर एक का आधा आधा नंबर है, तो आप आधा आधा नंबर और क्या है 1 नंबर प्रोसीजर का है, और इस तरह से क्या है आपने प्रोसीजर बहुत छोटा लिखना है। तो 10 ml ऑफ चेस इम्प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड ऑन इनटू टाइट्रेशन फ्लास्क, आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हूज मोलैरिटी इज 0.05। आप इसकी जगह HCl भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मोलैरिटी 0.1। Till light pink color is achieved, repeat the experiment 3 times to get concordant reading. ये था जो है प्रोसीजर बहुत छोटा लिखना है। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन है, आप हर मरतबा सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन जो लेते हैं पिपेट के जरिए ये 10 ml या टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लेते हैं, उसमें 1 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज का डालते हैं और उसके खिलाफ देखते हैं कितना जो है ये सब इस्तेमाल हो रहा है, तो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है। आप यूरो रीडिंग देखते हैं, ये सब उसमें डाला होता है 0 होती है, आप टाइट्रेट करते जाते हैं एक स्टेज आती है जब क्या लाइट पिंक कलर आ जाता है तो आप स्टॉप कर देते हैं, रीडिंग नोट करते हैं 10 होती है, दोनों का डिफरेंस है 10 आता है। इस तरह से 3 मरतबा ये एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करते हैं और एक जैसी रीडिंग पाते हैं, एक जैसी रीडिंग कार्ड रीडिंग करते हैं। आपने वॉल्यूम ऑफ बेस के खिलाफ वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है देख देख कितना यूज़ हो रहा है, और मोलैरिटी सब हर सवाल में आपने मोलैरिटी अमाउंट निकालनी होती है, फिर अमाउंट पर डी एम टू बार फार्मूला अप्लाई कर, फिर परसेंटेज वाला कहीं डल्यूशन पूछिए तो डल्यूशन वाला देखें क्या है। मैंने परसेंटेज प्योरिटी पूछा सवाल में तो मोलैरिटी का पहले निकालेंगे, मोलैरिटी निकालने के लिए m1v1/n1 = m2v2/n2 जिसके बारे में सवाल पूछा जाए उसे लेफ्ट साइड पर ले आए, दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस तरह से मोलैरिटी का m1 मोलैरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, v1 वॉल्यूम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, n1 क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम का है बाइकार्बोनेट है, तो आप मोलैरिटी को करना चाहते हैं उसी तरह लिख दिया। वॉल्यूम जो है मैंने क्या 10 cm³ लिया और नंबर ऑफ मोल मेरे पास इक्वेशन बता रही है, तो मैंने क्या ये मोलैरिटी मैंने क्या है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है वो लिख दी, वॉल्यूम कितना सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हुआ 10 है, नंबर ऑफ मोल इक्वेशन बता रही है, तो मोलैरिटी मैंने कैलकुलेट कर दी 0.1 मोल जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट की मोलैरिटी आ गई। अमाउंट पार्टी DMQ वाला फार्मूला अप्लाई किया, मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, मोलैरिटी फीट किया, मॉलिक्यूलर मास पे फीट किया, तो जो है जवाब जो है 8.4 ग्राम पर DMQ का सॉल्यूशन मेरे पास जो है ये जवाब जो है DMQ के अंदर आया। सवाल में मेरे पास CM³ है तो मैं इसको भी DMQ में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि एक DMQ के अंदर 1000 CM³ होते हैं, इस तरह से 250 CM³ में प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन 2.5 ग्राम, एक में कितना होगा 2.5/250, 100,000 में कितना होगा तो फिर दोबारा लिखें 2.5/250 × 1000 और 4 बार 1000 चार को इसे मल्टीप्लाई किया 10 ग्राम पर DMQ सोडियम का बाइकार्बोनेट इम्प्योर आ गया। ये यहाँ सवाल 10 ग्राम पर DMQ भी लिखा जा सकता है। अब अपने परसेंटेज निकालनी है, मेरे पास क्या ये भी DMQ में है और क्या है ये भी DMQ में, मैंने क्या जवाब दिया है इस तरह से 10 ग्राम जो इम्प्योर के अंदर प्योर जो था वो 1.4 ग्राम था, एक में कितना 10 से डिवाइड हो गया, 100 में कितना होता जब 100% आ गया। इस तरह से क्या है ये मेरी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इख्तिताम को पहुंची।
आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं। शुक्रिया।